सिद्धू मूसेवाला के पिता ने रविवार को अपने बेटे की हत्या के मामले में एफआईआर वापस लेने और सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टर से जुड़े होने पर देश छोड़ने की धमकी दी। भावुक बलकौर सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्य के डीजीपी से समय मांगा है, लेकिन पुलिस इसे किसी गैंगवार के परिणाम स्वरूप दिखाना चाहती है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे बेटे को गैंगस्टर्स से जोड़ना चाहते हैं तो मैं उनका काम आसान कर दूंगा। मैं 25 नवंबर को एफआईआर वापस ले लूंगा और साथ ही देश भी छोड़ दूंगा। मेरा जांच से भरोसा उठ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में स्थिति ऐसी है कि गैंगस्टर फल फूल रहे हैं, पुलिस घटना के 5 महीने बाद भी न्याय देने में विफल रही है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने अब मेरे बेटे के प्रति सहानुभूति रखने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एनआईए या सरकार कोई सवाल पूछना चाहती है तो उन्हें उनसे पूछना चाहिए, लेकिन सरकार को परवाह नहीं है कि किसी का बेटा मारा गया, उन्हें केवल चुनाव की चिंता है। मूसेवाला के पिता ने गैंगस्टर्स को कथित रूप से सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस अधिकारी प्रीतपाल सिंह की भी आलोचना की, हालांकि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मूसेवाला हत्याकांड का एक आरोपी दीपक टीनू मानसा पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की हिरासत से फरार हो गया था और प्रीतपाल सिंह मानसा में सीआईए प्रभारी थे। उन्हें टीनू को हिरासत से भगाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बाद में गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। मूसेवाला की 29 मई को समय मौत हुई जब वो अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ जीप में सवार होकर मनसा के जवाहर के गांव जा रहे थे। इसके बाद पंजाब पुलिस ने अगस्त में मानसा कोर्ट में 24 आरोपियों के खिलाफ 1850 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने अगस्त में मानसा कोर्ट में 24 आरोपियों के खिलाफ 1850 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की। हालांकि ये जांच चलती रही, लेकिन आखिरकार सिद्धू मूसेवाला के पिता का कहना है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है और इसी में उन्होंने ये तक कह दिया कि वो एफआईआर वापस लेंगे और देश छोड़ देंगे।